एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4.9। अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट पी। आफ्टर साइकिलिंग अलोंग 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस अलोंग पी क्यू ही रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ द पार्क अलोंग क्यू ओ। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 10 मिनट कैलकुलेट फर्स्ट नेट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी एंड थर्ड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। ओके, सो अगर हम क्वेश्चन के ऊपर से सिचुएशन बनाए तो आपको सर्कुलर पार्क दिया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर पार्क, दिस इज द सेंटर विच इज सपोज टू बी द ओ, राइट। अब आप देखेंगे साइक्लिस्ट जो है वो यहां से पी पॉइंट पर जाता है, राइट। तो ये पी पॉइंट हुआ और पी पॉइंट से सर्कुलर पाथ में होते हुए वो 1/4 पार्ट कवर करता है। 1/4 पार्ट मतलब आप कह सकते हैं यहां से वो यहां तक आता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये होगा उसका क्यू। मतलब साइक्लिस्ट ओ से पी की ओर गया, पी से क्यू की ओर गया और क्यू से वापस ओ पर आ गया। मतलब फाइनली वो वापस ओ पर आ गया, मतलब ये पाथ ट्रेवल करके। अब हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है। देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी इनिशियल पोजीशन, इसने जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, फ्रॉम ओ, और फाइनली आकर कहां पर स्टॉप हुआ, ओ पर ही। तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो, राइट। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इट हैव सेम पोजिशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, राइट। सेम पोजिशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, इस वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिला, जीरो मिला। चलिए अभी आपको फाइंड करना है That is average velocity. देखिए average velocity का formula आप क्या लिखेंगे, average velocity, velocity is equal to आप लिखेंगे displacement by time लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर displacement का answer क्या आया है, zero आया है। इस वजह से यहां पर क्या होगा, displacement की जगह आप zero रखेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आप यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, रीजन इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गई। चलिए अब हमें थर्ड फाइंड करना, विच इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए मैं इसे रब कर देता हूं यहां पर, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कह रहा हूं मैं, राइट, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, समझ में आया। अब आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल कहां से ट्रेवल हुआ, फ्रॉम ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से ओ। तो मैं यहां पर पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, क्या होगा टोटल डिस्टेंस आपके लिए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज ओ पी प्लस पी क्यू प्लस, और ये आप कह सकते हैं आर्क ऑफ पी क्यू और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पी क्यू और है ओ क्यू, राइट। तो आपने देखा कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी आपको रेडियस कितनी दी थी, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर है, मतलब यहां पर भी ये कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। तो ये हो गया 1 किलोमीटर आपके लिए, प्लस यहां पर होगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अभी पी क्यू क्या है, आपको आर्क का लेंथ फाइंड करना है। ये जो आर्क का लेंथ है 1/4 है, 1/4 किससे है, टू द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr/1/4, ठीक है। तो PQ क्या हुआ, 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल हुआ ना, तो टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr, उसका 1/4, ये फॉर्म होगा ना आपके लिए। चलिए इसे कैलकुलेट करें, यहां पर क्या होगा, दिस इज 1 प्लस 2, पाई का वैल्यू
22/7 आर आपके लिए 1 है, डिवाइड बाय 4 प्लस 1। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए, ये आपको कितना मिलेगा, दिस इज 25/7, 25/7 किलोमीटर आपके पास ये आएगा टोटल डिस्टेंस। चलिए टोटल डिस्टेंस हो गया आपके लिए, टाइम आपको दिया हुआ था, टाइम कितना था आपके लिए, टाइम था इट इज 10 मिनट, तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते, डिवाइड बाय 60, सो ये आवर हो गया, सो इट इज 1/6 आर, राइट टाइम। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 25/7, राइट एंड टाइम इज 1/6, इसे आप कैलकुलेट कीजिए क्या मिलता है आपको आंसर, राइट इट इज 21.43 किलोमीटर पर आवर, सो ये हुआ आपके लिए एवरेज स्पीड का आंसर, क्लियर, थैंक यू।